अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें यही लगता है कि मेरी वीडियो से उनको फ़ायदा हासिल होगा। मेरी वीडियो अच्छी थी इसलिए उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वीडियोस इसी तरह अच्छी रहें और आपको पसंद आती रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल पर ना कि सिर्फ लेटेस्ट जॉब होती हैं बल्कि दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनके इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता हूँ, उनकी सैलरीज भी आपके साथ शेयर करता हूँ। हर वीडियो में मैं एक दो जॉब्स भी बताता हूँ। जॉब्स के साथ साथ मैं आपको एक अच्छी बात भी बताता हूँ। अगर किसी एक इंसान को भी मेरी ये वीडियो देख के फ़ायदा हासिल हो तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की जो जॉब्स हैं वो एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उनको 40 के करीब रिक्रूटमेंट, उनकी 40 के करीब वैकेंसीज हैं जिनको वो हायर कर रहे हैं। तो वैकेंसीज पर जाने से पहले मैं आपकी आज की अच्छी एक बात पहले बता दूँ। याद रखिए कि कभी भी आपको कामयाब होना है तो बचपन में खेली हुई गेम को याद रखिए, वीडियो गेम जो हम बचपन में खेलते थे। उसमें क्या होता था कि जब भी कोई हीरो लड़ाई लड़ने के लिए जाता था तो सामने एक ड्रैगन होता था जो मुंह से आग फेंक रहा होता था। तो हीरो जो है वो ड्रैगन को मारता है और फिर मारने के बाद जब आगे जाता है तो सारा ट्रेयर, सारा गोल्ड वहाँ पड़ा होता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो रास्ते में आने वाली बड़ी दुश्वारियों को क्रॉस करना पड़ेगा। कामयाबियाँ इन दुश्वारियों के पार हैं। दुश्वारियों को क्रॉस किए बगैर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। स्ट्रांग रहिए और दुश्वारियों को फेस कीजिए बजाय इसके कि अपने कमल में बैठे रहें कि आगे तो बड़ा मुश्किल रास्ता है। ये मुश्किल रास्ता क्रॉस करेंगे तो ही आगे कामयाबियां हैं, तो ही आगे आसानियां हैं। इसकी एक मिसाल ये भी ले लीजिए कि एक आदमी जेल में है, उसके जेल के बाहर रोटी भी पड़ी हुई है और चाबी भी पड़ी हुई है। तो वो आदमी रोटी उठाएगा या चाबी उठाएगा? ऑफकोर्स अगर वो चाबी उठाएगा तो जेल से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर वो कंफर्ट में रोटी उठाएगा तो वो जेल में ही रहेगा और आराम से जेल में बैठ के रोटियां खाता रहेगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी ये टिप अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है ताकि मेरा हार्डवर्क कभी पे हो जाए और हार्डवर्क कभी इंसान का ज़ाया नहीं होता। आज की वैकेंसीज की तरफ बढ़ते हैं। ये वैकेंसी जो है ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, इनके 6000 के करीब एम्प्लॉय हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड है। इन्होंने जो वैकेंसीज़ दी हैं वो भी बता देता हूँ और आगे इनकी अप्लाई करने का जो लिंक है वो भी आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे देखिए। कंपनी का नाम है गल्फ मार्केटिंग ग्रुप कैरियर, ठीक है। और इनको प्लानर चाहिए, बुचर चाहिए, काउंटर सर्विस एसोसिएट चाहिए, सीनियर ऑपरेशन मैनेजर चाहिए, चेकआउट एसोसिएट चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, स्टोर मैनेजर, क्लीनर, स्टोर सुपरवाइज़र, रिप्लेनिशमेंट एसोसिएट, बेकर एसोसिएट, शेफ, की अकाउंट मैनेजर, प्रोसेसिंग एसेसरीज, और उसके बाद स्टॉक टेक असिस्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ब्यूटी एडवाइज़र, प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर, रिटेल ब्रांड मार्केटिंग, कंटेंट एडिटर, की अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और उसके नीचे जाएंगे तो टेक्निकल मैनेजर, फार्मासिस्ट, डायरेक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एग्जीक्यूटिव, हैवी व्हीकल ड्राइवर, वेयर हाउस सुपरवाइज़र, इन्वेंट्री कंट्रोलर, ब्यूटी प्रमोटर, मशीन ऑपरेटर, सेल्स ब्यूटी प्रमोटर, स्टोर मैनेजर, टीचिंग असिस्टेंट, सेल्स फोर्स, कॉमर्स, क्लाउड प्रोडक्ट एडिटर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, कॉरपोरेट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, नर्सरी टीचर, स्टोर मैनेजर, की अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट कैटेगरी मैनेजर और प्लानर। अब अगर मज़े की बात यह है कि अगर आपसे रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपकी जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस इस लिस्ट में नहीं है तो भी अपनी सीवी भेज दीजिए। ये बहुत बड़ी कंपनी है, 6000 के करीब इनके एम्प्लॉय ऑलरेडी हैं। करंट डाटा में जो लिंक्डइन पे शो हो रहा है वो तकरीबन 6000 लोग हैं। तो मतलब ये है कि 6000 से भी ज़्यादा लोग इनके पास काम कर रहे हैं जो लिंक्डइन पे इनके साथ कनेक्ट नहीं है लेकिन इनके एम्प्लॉय हैं। अगर आपकी वैकेंसी, आपकी एक्सपीरियंस रिलेटेड वैकेंसी इनके पास नहीं है तो भी मेरा भाई अपनी सीवी यहाँ पे भेज दीजिए, इनके पास वैकेंसीज निकलती रहती हैं। अगर आप अपनी सीवी भेज देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब इनके पास आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड वैकेंसी आएगी तो ये ऑनलाइन ऐड दिए बगैर ही आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेंगे। एक बात ये भी याद रखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अपनी सीवी के ऊपर प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं
तो आज ही कीजिए, सिर्फ सुन लेते हैं अमल नहीं करते हैं, और जो लोग नए हैं वो भी अमल करें। CV के ऊपर जहाँ के अपने टॉप पे अपना नाम लिखा होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखा होता है, उसके साथ मोटा सा करके बड़ा सा करके लिखिए इमीडिएटली अवेलेबल। उससे क्या होता है कि कंपनी का रनिंग ऑपरेशन होता है, जब कोई बंदा रिज़ाइन करता है उनको इमीडिएटली दूसरा बंदा चाहिए होता है, तो वो उसी बंदे को फोकस करेंगे, उसी बंदे को प्रायोरिटाइज करेंगे जो कि इमीडिएटली अवेलेबल होगा। अगर आपके CV के ऊपर इमीडिएटली अवेलेबल लिखा हुआ है तो आपकी जॉब लगने के चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहला मरला होता है CV शॉर्ट लिस्ट होने का। अगर आपकी CV शॉर्ट लिस्ट हो गई तो आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगी, बाकी बात बात करने से बनती है। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टिप के साथ, एक नई अच्छी बात के साथ और नई जॉब के साथ। शुक्रिया।